मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी और दो बच्चों के कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, फिर तीनों के सबको घर के बरामदे में ही दफना दिया। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को शिकायत कर दी। इसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो सका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खुदाई कर तीनों के शव भी बरामद कर लिए हैं। मामला रतलाम जिले की विंध्यवासिनी कॉलोनी का है, जहां आरोपी सोनू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। करीब 1.5 महीने से उसकी पत्नी, 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी नजर नहीं आ रहे थे। पड़ोसियों ने पूछा तो वह टाल मटोल करता रहा, जिसके बाद शक होने पर लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। कुछ लोगों ने बदबू आने के साथ ही महिला के पति पर संदेह जताया। इसके बाद पुलिस ने युवक पर निगरानी रखी। शक के आधार पर पुलिस ने सोनू से पूछताछ की। पहले तो वह टालता रहा, लेकिन सख्ती करने पर उसने जो कबूला, वह दिल दहला देने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि करीब 1.5 महीने पहले उसने तीनों की हत्या कर दी है। रतलाम SP के मुताबिक सोनू की निशानदेही पर रविवार शाम दीनदयाल नगर थाना पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे। यहां गड्ढा खुदवा कर तीनों के शव बरामद किए। पुलिस के मुताबिक सब पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। शवों को PM के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया गया है। SP ने बताया कि शव का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। सोनू ने पुलिस को बताया कि करीब 2 महीने पहले पत्नी के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद उसे गुस्सा आ गया, उसने तीनों को कुल्हाड़ी से काट डाला। किसी को पता नहीं चले, इसके लिए रात में दोस्त की मदद से घर के बाहर बरामदे में ही तीनों शवों को दफना दिया। पुलिस ने दोस्त को भी हिरासत में ले लिया है। नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू तलवाड़े है, उसने अपनी पत्नी एवं दो बच्चों की हत्या कर दी है। और ये इस लाश को छुपाने में, साक्ष्य छुपाने में इसने अपने एक मित्र का भी सहारा लिया था। उन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके द्वारा बताए गए जो स्थान पर फॉरेंसिक अधिकारी, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनकी और एक पूरी टीम के सामने वीडियोग्राफी के दौरान उसकी खुदाई की गई, जिसमें कि 3 मानव शव जो कंकाल हैं वो बरामद भी हुए हैं।